हेलो स्टूडेंट, तो हमने चैप्टर अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो अब आ रही है एक्सरसाइज सॉल्व करने की। तो एक्सरसाइज देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले सोचो और बताओ, इसमें है कारक किसके संबंधों को जोड़ता है। तो कारक किसके संबंधों को जोड़ता है? कारक क्रिया का संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़ता है। तो कारक किसका किसके संबंध को जोड़ता है? क्रिया का संबंध संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों से करता है। फिर है कर्ता कारक की विभक्ति कहाँ पर प्रयोग नहीं होती है? विभक्ति होती है कर्ता की क्या? ने। तो ने कहाँ पर प्रयोग नहीं होता है? कभी कभी कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होता है। और ये कहाँ नहीं होता है? जब क्रिया अकर्मक है, वाक्य अकर्मक क्रिया का है, और या फिर वर्तमान काल का है, या फिर भविष्य काल का है। तो ने कर्ता की विभक्ति कहाँ प्रयोग नहीं होती है? अकर्मक क्रिया में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। ठीक है, फिर हम आते हैं समेटिव इवैल्यूएशन में। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, उसमें क ख ग घ चार प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आप खुद लिखोगे। क है कारक किसे कहते हैं? क में कारक की परिभाषा लिखनी है। ख में है कारक के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखो। तो ख में बताना है कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के आठ भेद होते हैं और उन आठों के नाम बताना है। फिर है ग करण और अपादान कारक में अंतर बताना है। तो मैंने बताया था करण और अपादान में अंतर, तो आप अपनी बुक से देखिए करण कारक और अपादान कारक में अंतर लिखोगे। ठीक है, उसके बाद है अधिकरण कारक किसे कहते हैं। तो अधिकरण कारक की डेफिनेशन लिखनी है, तो आप खुद कर सकते हो, ये कोई डिफिकल्ट वर्क नहीं है। फिर हम आते हैं प्रश्न दो में है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरो। तो फर्स्ट है बच्चे बस में विद्यालय जाते हैं। ख है श्याम पिताजी से पढ़ता है। ग बच्चों ने मम्मी पापा के लिए उपहार खरीदा। घ दिव्या की बहन बीमार है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आप लोग फील कर सकते हैं अपने आप से, आप चाहो तो एक बार पूरी एक्सरसाइज खुद से फील करके फिर आप यहाँ से मैच कर लेना, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ। फिर है तीसरा है टिक द करेक्ट है। पूजा पुस्तक पढ़ रही है वाक्य में कौन सा कारक है? तो पूजा पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? पूजा के द्वारा किया जा रहा है। तो पूजा ही इसमें मैन है, तो इसमें क्या आएगा? कर्ता कारक सेकंड। फिर है गुंजन खाना पकाती है, तो इसमें क्या आएगा कि जब कर्म का फल जो है वो संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है, तो इसमें क्या आएगा? कर्म कारक आता है। तो अगर आप किसे या किसको से प्रश्न पूछें और उत्तर मिलता है तो वो कर्म में होता है। जैसे अगर आप पूछो गुंजन खाना पकाती है, ठीक है, तो गुंजन क्या पकाती है? गुंजन किसको पकाती है? गुंजन किसे पकाती है? गुंजन खाना पकाती है। ठीक है, गुंजन किसे पकाती है? गुंजन खाना पकाती है। तो ये कर्म कारक का वाक्य है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कर्म कारक। फिर है ग गांधी जी हे राम कहकर चल बसे, वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम, उसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ रहा है, तो ये इससे पता चल रहा है ये कौन सा कारक है? संबोधन कारक। फिर है घ कृष्ण का गांव दूर था, वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए कृष्ण का गांव दूर था, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? कृष्ण का गांव संबंध के बारे में पता चल रहा है, लेकिन आपके ऑप्शन में करण कारक दे रखा है, अधिकरण कारक दे रखा है और कर्म कारक दे रखा है, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। कृष्ण का गांव दूर था, तो कृष्ण का गांव से संबंध है ना कि वो उसका गांव है, ठीक है ना? तो इसमें क्या आएगा? संबंध कारक आएगा, जो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो घ का आंसर क्या आएगा? संबंध कारक। उसके बाद है ड विवेक वायु यान से कोलकाता गया। विवेक वायु यान से कोलकाता गया, तो कोई भी काम करने के लिए किसी साधन का प्रयोग हो रहा है, तो वहां क्या आएगा? करण कारक है ना।
तो यह विवेक किसकी सहायता से कोलकाता गया है? वायुयान की सहायता से गया है, मतलब वो कोई भी काम कर रहा है किसी की सहायता लेकर कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सेकंड करण कारक। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आपको दे रखा है अनुच्छेद, और उसका आपको इन विभक्ति प्रसर्गों से क्या करना है, उसको फिल करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने फिल किया है, वैसे तो आपको करना है, मैंने फिर भी फिल किया है, तो आप खुद एक बार अच्छे से पढ़ के आप खुद फिल करो, फिर इसमें देख के आपको इसको फिल करना है। ठीक है, तो आप खुद पढ़ के इसे फिल करोगे कि किस पे क्या आना चाहिए, कौन सी ब्लैंक में क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न 5, उसमें क्या है, कारक दे रखे हैं आपको, उसके सामने विभक्ति चिन्ह, और उसके बाद में क्या करना है, सभी कारकों में एक वचन रूप लिखना है, एक वचन में लिखना है। ठीक है, ये अभिषेक शब्द गलत प्रिंट हुआ है, तो देखिए तो मैंने लिखा है कर्ता ने, तो एग्जाम्पल दे रखा है कर्ता ने और मोहन ने। ठीक है, तो वैसे ही मैंने इधर कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के या रारी रे भी लिख सकते हो, अधिकरण में पर, और इधर मैंने मोहन को एग्जाम्पल रख के उसी के सामने ये विभक्ति चिन्ह लगा दिए। जैसे मोहन ने एग्जाम्पल दे रखा, तो मोहन को, मोहन से, मोहन के लिए, मोहन से, मोहन की, मोहन में। ठीक है, तो ये भी अच्छे से फिल कर लेना। फिर है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये जो वाक्य दे रखा है उसमें जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, रेखांकित कर रखा है जिन शब्दों को, तो उनके हिसाब से आपको कारक बताना है। तो पहला है मोहन तो कार से स्कूल जाता है, कार से स्कूल जाता है, तो से आया है तो या तो करण होगा या अपादान, तो अपादान तो होता है जब अलग होते हैं, और जब, और करण कब होता है, जब किसी साधन का प्रयोग किया जाता है, तो मोहन स्कूल जाने के लिए किसी साधन का प्रयोग कर रहा है, किसकी सहायता ले रहा है, कार की, तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट में करण कारक। फिर है हे भगवान कृपा कीजिए, तो हे आया है और विस्म्यादि बोधक चिन्ह आया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, संबोधन कारक। फिर है ग, यह खबर सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, आंखों से किसमें आता है, करण में और अपादान में, करण आता है जब किसी की सहायता के द्वारा काम किया जाता है, तो करण तो होगा नहीं। अब अपादान की बात करें, तो अपादान में क्या होता है, जब किसी से अलग होने का भाव हो तब अपादान आता है, तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो आंसू क्या हो रहे हैं, आंखों से अलग हो रहे हैं ना, जब आंसू आंख से निकलेंगे तो आंख से अलग हो जाएंगे वो, तो अलग होने का भाव है यहाँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, अपादान कारक। फिर है घ, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो मैदान में किसमें आता है, अधिकरण में पर, है ना, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ में अधिकरण कारक। फिर है मेरा बेटा आज स्कूल नहीं गया, तो मेरा बेटा, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, माँ, मतलब बेटे और ये माँ या पापा, उन दोनों के बीच में संबंध पता चल रहा है ना, कि मेरा बेटा, तो उन दोनों के बीच का संबंध पता चल रहा है मेरा बेटा में, तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध कारक। उसके बाद लास्ट प्रश्न है 7, उसमें क्या है, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके आपको एक एक वाक्य बनाना है, तो आपको वाक्य बनाना तो आता ही है, तो वाक्य आप खुद बनाओगे। ठीक है, अब रही बात नोटबुक में वर्क करने की, तो नोटबुक में आपको क्या क्या वर्क करना है, सोचो और बताओ के दोनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। फिर है संकलित मूल्यांकन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, तो वो चारों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, और 7 क्वेश्चन ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। वैसे मैंने पेंसिल से टिक लगा रखे हैं क्या क्या करना है, तो देखिए सोचो और बताओ आपको नोटबुक में करना है, और ये प्रश्न 1 आपको, ये चारों प्रश्न आपको इसमें नोटबुक में करने हैं। उसके बाद में हम आते हैं अगले पेज पे, तो अगले पेज पे 7 क्वेश्चन है, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो ये 3 प्रश्न जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है, सोचो और बताओ, प्रश्न 1 और प्रश्न 7, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं।
और बाकी सारे आपको बुक में फिल करके रखना है। बुक सबकी फिल होनी चाहिए और वर्क सुंदर सुंदर राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हिंदी व्याकरण का पार्ट 12 कारक कंप्लीट हो गया है।